प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। फायदे देता है संसार, जब हमको झूठे प्रॉमिस देता है तो इतने से फायदे को वो इतना बड़ा करके बताता है। आप लोग जानते हैं, शहर में बीच बीच में कपड़ों की सेल लगती है, अखबार में आता है 5,000 रुपये की साड़ी 50 रुपये में, और लोग ऐसा टूटते हैं जैसे उन्होंने पहले कभी कोई साड़ी नहीं देखी। और जब आप जाके देखते हैं तो हाँ, लिखा हुआ है 50 रुपये 50 रुपये। आप साड़ी खरीद के घर लाते हैं, घर लाके साड़ी को पूरी तरह से खोल खाल के देखते हैं तो पुराना जो लेबल है वो हटाना भूल गया था। पुराने लेबल पे लिखा हुआ है 60 रुपये, मतलब वो 60 रुपये की साड़ी आपको 50 में आप पकड़ा दी, बड़े अक्षर में लिखा कि 1,000 रुपये की या 500 रुपये की साड़ी 50 में दे रहा है। 60 में वो साड़ी चल नहीं रही थी, इसलिए वो 50 में बेच के उसने पैसे जो है जेब में डाल लिए। आपको क्या प्रॉमिस दिया, 500 रुपये की साड़ी है भैया 50 में दे रहे हैं, ऐसा होता है क्या? 500 बार होता है, मैंने बहुत देखा है। मेरे तमाम सारे विद्यार्थी ग्वालियर शहर के एक से एक बड़े व्यापारी लोग थे और अध्यापक होने के कारण पूरी तरह से मुझसे खुले हुए थे। तो जब वो किसी चीज़ को बेचते थे, ले जाओ भैया, लूट है लूट है लूट है, तो मेले के समय लोग ऐसा टूट पड़ते थे लूटने के लिए। लेकिन असल में लूट कौन रहा था, ग्राहक लूट रहा था या दुकानदार लूट रहा था? दुकानदार लूट रहा था। पाप, हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है, हमारे अंदर जो अंधकार है, वो इसी तरह से हमसे प्रॉमिस करता है, इस गलत काम को कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, तुम फायदे में रहोगे। वर्जित वृक्ष के फल को खाने से हव्वा को क्या फल मिला? हमेशा हमेशा के लिए पापिनी हो गई। उसकी देखा देखी आदम ने भी खा लिया, हमेशा हमेशा के लिए पापी हो गया। और उस पाप के कारण पिछले 6,000 साल मनुष्य उसका दर्द और उसकी सजा भुगत रहा है। आज जब मैं ये संदेश दे रहा हूँ, तब दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं। छोटे मोटे तो बॉर्डर पे चल ही रहे हैं, 50वें बॉर्डर पे चल रहे हैं, लेकिन दो बड़े युद्ध चल रहे हैं। एक यूक्रेन में जो 1.5 साल से चल रहा है, काहे के लिए इतने सारे निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है? बस एक आदमी का घमंड, रशिया का जो प्रेसिडेंट है उसका घमंड। दूसरा युद्ध इसराइल में चल रहा है, जहां हमास के लोगों ने एक दिन जो है 3,000 मिसाइल डाल दिए, 1,500 लोगों को, इसराइली लोगों की हत्या कर दी, वहां भी चल रहा है। ये सब क्यों? और इसराइली लोगों ने तो बोल दिया कि बेटा, हमसे आंखों में आंख मिला के कोई बात करता है तो हम उस आंख को फोड़ देंगे। उन्होंने ऑलरेडी 9,000 मार डाले, मतलब ऑफिशियल आंकड़े बताते हैं 9,000, एक्चुअली कितने मारे गए हमको नहीं मालूम। और उन्होंने कह दिया कि अभी हम नहीं रोकेंगे युद्ध को। क्यों हो रहा है ये? सिर्फ एक कारण, हमारे अंदर जो अंधकार है
वो अंधकार बीच बीच में हमारे अंदर जो प्रकाश है उसके ऊपर काबू कर लेता है, प्रकाश को छुपा देता है, कुछ समय के लिए मिटा देता है, हमारी आंखें अंधी कर देता है। यह है जो आठवें पद में हम देखते हैं। इस कारण आज संध्या को मैं एक बार और याद दिलाना चाहता हूं, यहां दो प्रकार के लोग हैं। एक जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है और जो ज्योति में चल रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रिय भाई प्रिय बहन, वो अंधकार लगातार तुम्हारे दिलों को नियंत्रण में लेने की कोशिश में है। उसके लिए हमारे चारों तरफ जितने माध्यम हैं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इन सब माध्यमों का उपयोग वो करता है। अंधकार की शक्तियां इन सब माध्यमों का उपयोग करती हैं। आप पूछेंगे तो शास्त्री सर, माध्यमों का उपयोग बंद कर दिया जाए क्या? ऐसा नहीं है, माध्यमों का उपयोग सही रीति से किया जाए। आप एक कुत्ता घर पे पालने के लिए लाए, पता चला कि वो तो घर ही घर में सबको काट रहा है। कुत्ता कभी होता इतना वफादार जानवर होता है कि वो घर के लोगों को नहीं काटता है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा कुत्ता आपको मिल गया जो घर में सबको काट रहा है, आप क्या करेंगे? मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि हमारे घर में ऐसा एक कटखना कुत्ता आ गया था, उसने सबको काटा, मेरे बेटे को काटा, फादर को काटा, मुझे काटने की कोशिश की और फाइनली मेरी मम्मी को काटा दोनों हाथों में, और घर में एक मेहमान आया उसके दोनों हाथों में काट लिए। कटखना कुत्ता हो तो अपन क्या करते हैं? मैंने और पापा ने एक दिन जंजीर से बांध कर, पापा धीरे 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 गाड़ी चलाते हुए शहर के बाहर गए, मैं उसको साथ में भगाता गया शहर के बाहर एक जंगल में जहाँ भोजन की कोई कमी नहीं है, इस तरह के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया उसे, हमेशा हमेशा के लिए उससे पिंड छुटा लिया। क्यों? इसलिए कि कुत्ता घर में लाते हैं तो वो कटखना नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हमारे जीवन में जो अंधकार है वो यदि कटखने कुत्ते के समान रोज सुबह दोपहर शाम को हमको काटता फिरे तो उसका मतलब है कि हमारे आत्मिक जीवन में कहीं तो कोई तो भी कमजोरी है जिसके कारण हम उस पाप स्वभाव पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। जब हम इस बात को पहचान लेते हैं तो पहला काम प्रभु के वचन से इन विषयों के ऊपर पढ़ना शुरू कीजिए, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति से जैसे भाई जेफरी है, मैं हूँ, हम में से किसी से बात कीजिए, बताइए कि हमारे जीवन में ये समस्या है, उसके लिए मैं क्या करूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु और लोगों को हमारे बीच भेजिए जो हिंदी में आपका वचन दूसरों को समझा सके। तो आज भाई बिजॉय भी आ गए और अब जब तक इनकी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती वो यहाँ रहेंगे, और आइए अपन सब चुपचाप उनको बताए बिना प्रार्थना करें कि उनकी नौकरी भी यहीं कहीं लग जाए, शादीवादी भी यहीं कहीं हो जाए और वो हमको छोड़ के ना जाए, ठीक है? तो एक रहस्य है जिसके लिए हम सब रहस्य में प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि और लोग आए इस मंडली में, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस मंडली में इस तरह का प्रश्न पूछना चाहता हो तो 50 लोग उसके सामने हो जिसमें से किसी से भी वो पूछ सके। तो पहली बात, उस अंधकार के लिए क्या करना है। नंबर दो,
यदि आपने कभी भी प्रकाश को नहीं पाया है तो क्या करना है? कभी भी यदि प्रकाश को नहीं पाया है तो हम में से किसी एक व्यक्ति से बात कीजिए, हम आपको स्पष्टतया बताएंगे। तीसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इब्रानियों की पत्री 4:12 जरा अपनी डायरी में नोट कर लें। इब्रानियों की पत्री 4:12, बच्चे लोग इन पदों को याद कर लें। जब मैं कह रहा हूँ बच्चे लोग याद कर लें तो आप ये ना कहें कि मैं तो बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हूँ। यहाँ यहाँ एक या दो भाइयों को छोड़कर जो शादीशुदा है सब मेरे लिए बच्चे ही हैं, तो इस कारण जितने लोग हैं सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इब्रानियों 4:12 हम में से हर एक को याद होना चाहिए। परमेश्वर का वचन जीवित, शक्तिशाली, हर एक दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज है। ये दोधारी तलवार क्या होती है? अपने हिंदुस्तानी तलवार जो यो झुका हुआ होता है उसमें धार एक जगह होती है, रोमी लोग स्ट्रेट तलवार यूज़ करते थे जिसमें दोनों तरफ धार होती थी और जिसकी नोक भी धारदार होती थी। प्रभु का वचन जीवित है, प्रबल है। मनुष्य ने जितनी दोधारी तलवारें बनाई हैं उनसे ज़्यादा तेज है, धारदार है, और मनुष्य के अंदर जाकर उसके अंदर जो कुछ है वो एक दूसरे से अलग करता है। इसका क्या मतलब है? जब हमारे जीवन में पाप के साथ संघर्ष आता है तब हम यदि अपना समय परमेश्वर के वचन में बिताएंगे तो वचन उन चीज़ों को एक एक करके अलग करेगा, हमको बताएगा बेटा जी बिटिया ये करना है ये नहीं करना है। और बाई चांस यदि किसी पाप में फंस गए तो पहला यूहन्ना 1:9 जो मैंने याद करने को बोला था कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु हमें सब पापों से क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। कोई भी व्यक्ति इस सभा में यदि ऐसा हो जिसने प्रभु यीशु को अभी तक मुक्तिदाता के रूप में नहीं पाया है तो आकर मुझसे बात कर लें, या भाई जेफरी से, या आज तो हम जो है ज़बरदस्ती भाई जेयर्सन को पकड़ना चाहते हैं। जब इतना योग्य व्यक्ति हमारे बीच में है तो हमें भी तो कुछ फ़ायदा मिले, तो सब उन भाई से पूछ लें, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत भाई लोग यहाँ पर है, ये मैं आपको याद दिला दूँ। प्रभु ने मुझे आज इस तरह से आपके सामने खड़े होने के लिए जो बल और शक्ति दी उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। पिछले 3-4 हफ्ते मेरी हालत बहुत पतली थी, सोच नहीं सकते इतनी ख़राब हालत थी। आज प्रभु ने बल और शक्ति दी उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।